हेलो एवरीवन, आई होप अब तक आप लोगों ने सेबी लीगल का एग्जाम पैटर्न देख लिया होगा, ये भी समझ लिया होगा कि सेबी ने कौन कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन फेज टू एंड इन सिलेबस। मेनी स्टूडेंट्स हैव डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेटेज, व्हाट इज दिस 1/3 मीन्स, व्हाट डज दिस 2/3 मीन्स, और यहाँ पे कट ऑफ का क्या रोल है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। Once again, hello everyone, welcome to iExamB. I am Vidhika, law faculty at iExam. Along with understanding this 1/3, 2/3 criteria, I want to talk about our SEBI legal crash course for which the new batch is starting from Monday, that is 26th of June. At the end of the video, I will also share the class schedule with you. You can see how the classes will be conducted, what all classes will be there each day. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज टू पेपर टू का पैटर्न काफी चेंज कर दिया गया है। पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अब 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। बट द मैक्सिमम मार्क्स फॉर पेपर टू इज 100। तो पहले जो 50 एमसीक्यूज आते थे वो 100 मार्क्स के होते थे, अब 70 एमसीक्यूज 70 मार्क्स के हैं और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के एंड लुकिंग एट द सिलेबस, आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर टारगेट स्कोर इन फेज टू। फेज वन की कट ऑफ सिर्फ 80 मार्क्स होती है आउट ऑफ 200, दिस आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स इन माय प्रीवियस वीडियो। अब हम फेज टू में देखते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की कट ऑफ 30% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपके 30 में से कम मार्क्स हुए तो आप फेज टू क्लियर नहीं करेंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मिनिमम 30 मार्क्स लेने हैं और लीगल में मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। ओवरऑल बोथ पेपर वन एंड पेपर टू को मिला के मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं। दिस हैज बीन द लास्ट ईयर फेज टू कट ऑफ। 2020 में इट वॉज 68.33 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड इन 2022 इट वॉज 67.67। तो हम इसी को बेस मानकर देखेंगे कि हमें कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे और 1/3, 2/3 क्राइटेरिया का क्या रोल है। लेट से आपने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स स्कोर किए हैं, दैट इज 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। जब आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 30 हुए तो इसकी वेटेज हो गई 1/3। 1/3 वेटेज के हिसाब से ये मार्क्स 10 मार्क्स काउंट होंगे आउट ऑफ 100। देन लेट से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर विच इज 70 प्लस 100 मार्क्स के पेपर टू में आपको 60 मार्क्स मिले हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिलाकर। दिस 60 विल बी कन्वर्टेड इंटू 2/3 वेटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2/3, तो ये बन गया आपका 40। 40 प्लस 10 विल फॉर्म 50, विच इज वेरी लेस देन 68.33 और 67.67। तो इसका मतलब आपको इससे बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा इन द लॉ पेपर। अगर आपके लॉ के पेपर में 70 मार्क्स हैं तो इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 46.67 बन गया। इसमें आप फिर से 10 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 56.67। नहीं क्लियर कर पाए, इसी तरीके से 80 पर भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। अगर हम एक्यूरेटली देखें तो अगर आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 30 मार्क्स हैं तो लॉ पेपर में 87.5 मार्क्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू रीच द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, दैट इज 68.33 या फिर 67.67। सो यू विल हैव टू स्कोर समवेयर बिटवीन 85 to 90। नाउ लेट्स से अगर आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 40 मार्क्स आ गए तो 1/3 क्राइटेरिया से ये 13.33 हो जाएंगे। लॉ पेपर में आपके 60, 70, 80 या 90 इनमें से कोई स्कोर हुआ तो कहाँ पे जाकर आप 68.33 की कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, दैट विल बी अराउंड 80 to 85 के बीच में, 82.5 पर आप क्लियर कर पाएंगे। आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लॉ पेपर के स्कोर को 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आपका स्कोर आएगा उसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मार्क्स में ऐड कर दीजिए, देन यू विल सी दैट विल बी योर फेज टू स्कोर। अब आगे अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 50 स्कोर करते हैं तो ये बन गया 16.67 बाय 1/3 वेटेज। लॉ के पेपर में आपने 60, 70, 80, 90 स्कोर किया तो यहाँ पे आप जब 75 टू 80 की रेंज में जाएंगे वहाँ जाकर आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। 75 से 80 मतलब लगभग आपको 77.5 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर आपके 60 मार्क्स हैं 1/3 के हिसाब से 20 बना तो आपको 72.5 स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप 68.33 वाले कट ऑफ को टच कर सके। तो इस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। पिछली बार तक आपके लॉ के पेपर के मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर पर डिपेंड करते थे, बट इस बार आपके लॉ के पेपर के मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों पर डिपेंड करेंगे। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग फर्दर मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश,
बिकॉज 60 इज अ वेरी गुड मार्क्स। इसके ऊपर आप जो भी स्कोर करते हैं दैट आर बोनस पॉइंट्स फॉर यू। आपके पास उतना ही लेवरेज है लॉ के पेपर में, और आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल फेस टू की वेटेज 85% है। सो आई होप यहाँ पर आपको 1/3, 2/3 क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई वर्कशॉप एट 8 PM टूडे। यू कैन आस्क योर डाउट्स क्वेरीज देयर एंड आई बी हैप्पी टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। At the same time, as I was saying, we are starting a SEBI grade legal crash course for which the new batch is starting from 26th of June. At present, we are giving a flat 45% off on this online course. This is the class schedule. The classes will be starting from Monday, 26th of June. You can download this class schedule from the description below. One study plan is also present, a week-wise study plan. Yesterday in my preparation strategy video, I shared a day-wise study plan with you. तो अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं आप उसे फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आप लाइव क्लास शेड्यूल को डाउनलोड करके इसमें से वीक वाइज स्टडी प्लान फॉलो कर लीजिए। दिस स्टडी प्लान इज यूजफुल फॉर बोथ फेज वन एंड फेज टू। आप इसमें देख सकते हैं फेज वन फेज टू के टॉपिक्स दोनों मेंशन हैं। मूविंग टू द क्लास शेड्यूल, दिस इज द लाइव क्लास शेड्यूल फॉर फेज वन। 26 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। ऑन 26 जून यू विल हैव टू क्लासेस। वन इज द इंट्रो क्लास ऑफ द न्यू बैच which I will be taking, then CPC will be taken up by Amrita ma'am. Then on 27th of June, that is Tuesday, phase 1 paper 1 strategy will be taken up by Karan sir, and Neha ma'am will be starting the phase 2 paper 2 topics that IBC. So you can clearly see we have even divided the topics for phase 1 paper 2 and phase 2 paper 2. In the initial weeks, we will have equal number of classes for phase 1 paper 2 and phase 2 paper 2 for law paper in both the phases. बाद में जाकर जैसे आपका फेज वन का पेपर पास आने लगेगा तब हम आपके फेज वन की क्लासेस ज्यादा बढ़ा देंगे, एज यू कैन सी इन द लाइव क्लास शेड्यूल। इवन फेज वन पेपर वन क्लासेस आर आल्सो मेंशन्ड। वी हैव ट्राइड टू नॉट इंक्लूड टू मेनी क्लासेस ताकि आपको सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिल सके और आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, क्लासेस में अपने डाउट्स ले सके। As you can see, after 23rd of July, there are classes only for phase 1, paper 1. आप इस live class schedule को download करके ध्यान से देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से classes किस दिन हैं। Your phase 1 exam is on 5th of August. We will start the classes for phase 2 from 7th of August. We can't wait for 10 days. By the time the result will come, a lot of time will have passed. तो इनिशियली हम IPC evidence से start करेंगे। Second week में we will move to SEBI Act, Companies Act. और कोशिश करेंगे तब तक आपका आईपीसी एविडेंस हो जाए। कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ एंड सीआरपीसी एक साथ चलेगा। आप इस शेड्यूल को भी देखकर अपना स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस कोर्स की ऑफरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द वर्कशॉप विच इज देयर टूडे इन द इवनिंग एट 8 PM। You can check out our course from our website www.iexambi.com. You can write to us at hello@iexambi.com. iExambi helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.